भाई गाड़ी यहाँ खड़ी है जस्टिस के ऐसे पीछे। 6 महीने वालों में नहीं आता क्या भाई? मैंने अच्छा 6 महीने में लेके बेची होती तो मैंने सितंबर में ली थी। कुछ लोग ऐसे हैं 6 महीने के लिए लेके बेच देते हैं। नहीं तो भाई उनके चक्कर में हम बदनाम है। नहीं नहीं हमने वो वाला सिस्टम नहीं कर रखा। तो ये है स्वाति के कॉलेज का भाई नजारा कुछ। और संवाददाता सिब्बूगिरी काफी दिनों के बाद मेरे ब्लॉग में दिख रही है। भाई जितना सोचा था ना कि हमारी गाड़ी कैसी लगेगी उससे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है भाई आप सबका आज के व्लॉग में। और काफी दिनों के बाद ऐसे मिल रहे हैं जैसे तो डेली व्लॉगिंग चल रही हो लेकिन डेली नहीं है भाई। इतने दिन के बाद आज मेरा मन कर गया कि व्लॉग बनाया जाए क्योंकि आज बहुत सारी चीजें करनी है मेरे को। और मेरे साथ एक तो ये है भाई, इसका नाम क्या है, क्या है तेरा नाम भाई? ऋतिक नहीं, इसका नाम वो है, इसका नाम बता देना क्या है, वो बल्लू वाला नाम है जो मतलब बल्लू वाला क्या बल्लू ही है। और अपने साथ एक और है भाई, इसका भी नाम बताना मिस्टर विनय सैमुअल। नहीं भाई इन द हाउस नहीं, विनय सैमुअल नहीं है गाइस। आपको पता है इसका नाम क्या है तो वो भी बता देना। अभी भाई बाग के हमारी गाड़ी मेरा नाम बताऊं? मेरा नाम सी से स्टार्ट होता है। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अब सी से समझ जाओ क्या ये। अच्छा गाइस कैसा इंसान है अब अद्दर गंदा इंसान भाई। देखो अभी तेल डल रहा है गाड़ी के अंदर, हो गया पेट्रोल, पेटीएम कर देता हूँ भाई। स्कैनर? अच्छा स्कैनर भाई स्कैनर। हाँ तो भाई तेल डलवा लिया गाड़ी में, पेटीएम कर दिए पैसे। और अभी सबसे पहले जा रहा हूँ, मेरे शोल्डर में हो रखी है इंजरी। अब बस क्या बताऊँ कैसे। किसको चढ़ा लिया तूने शोल्डर पे? शोल्डर पे किसको चढ़ा लिया? किसी को नहीं चढ़ाया था। तो बहुत आराम है तूने चढ़ाया किसी को बता रहा हूँ मैं। अबे भाई भाई तेरे को स्पोर्ट्स का शौक है, सारा दिमाग तुम्हारा साला वहीं क्यों जाता है? अबे यार क्या क्या कैसा इंसान है तू? मैं कह रहा हूँ तूने शोल्डर पे किसको चढ़ाया? तू कैसा इंसान है? मैं इंसानों जैसा इंसान हूँ भाई, दो कान है दो नाक है। तू इंसानों जैसा है ही नहीं, इंसानों जैसा है ही नहीं तू। फिर कैसा हूँ भाई? मेरे शोल्डर में हो रखी इंजरी। और इंजरी पता है कैसे हुई? बचपन में कभी थोड़ी बहुत थी, क्रिकेट खेलता था उस टाइम। भाई टेम्पू आ रहा है पीछे, जा भाई जा। ठीक है तो उसके बाद फिर अभी जिम स्टार्ट करा था मैंने, तो 1.5 महीने से जिम जा रहा था। क्या क्या कह रहा है? तेरे को कुछ नहीं कह रहा भाई मैं, मेरे को क्या आ जा, जा, जा। देखे भाई बस वाला देखना यार, ऐसे चलाते हैं जैसे पता नहीं क्या। तो भाई एक डेढ़ ऋतिक रोशन वाला मत दे दूसरा दे भाई, कंटिन्यू करना यार। क्या देखना गाइस, व्लॉग नहीं बनाने दे रहे यार। एक तो इतने दिन बाद वैसे भी बना रहा हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ और पता नहीं क्या बनाने नहीं दे रही। भूला थोड़ी ऐसी बातें कर रहा है? भूला नहीं हूँ पर थोड़ा सा होता नहीं भाई, प्रैक्टिस आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है। तो भाई क्या कह रहा था मैं, फिर जिम स्टार्ट करा मैंने 1.5 महीने, फिर उस टाइम मेरे को इंजरी हो गई जिम में थोड़ी। और तो अभी मैं शोल्डर की सर्जरी कह रहा जिम में तूने गलत आइटम उठा लिया भाई। नजर लगा दी नजर लगा दी भाई, ये जिम तो जाते नहीं है इन लोगों ने मेरे को और नजर लगा दी, वरना तो मेरा बढ़िया चल रहा था। चलना तू जलता है। तो भाई सर्जरी कह रहा था ना मैं, सर्जरी नहीं हो रही तो इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, अभी थेरेपी चल रही है मेरी। तो अभी वो जो 3 चिंकी आती है उसमें से एक उठाई थी क्या? भाई तू ऐसे पहली बात तो तू किसी को ऐसे चिंकी कैसे बोल सकता है? चिंकी है तो भाई सुन मेरी बात, ये देखिए और मैं आया देखिए गाइस, इतने रेसिस्ट है ना ये लोग, इतने रेसिस्ट है ना यार। ऐसा कुछ नहीं है, देखो गाइस इस मतलब पृथ्वी पे हर जगह एक अलग अलग नाम बना हुआ है। मेरे को भी तुम खच्चर नहीं बोलते, मैं बुरा मानता हूँ। सही बात है। ठीक है तो हमारा तो अच्छा तेरी बुआ लगती है। अब तो बातचीत हो गई आपकी। अबे जा तू चल। तो भाई सर्जरी, अबे यार फिर सर्जरी मैं कह रहा हूँ थेरेपी करवाने में पता कहाँ जाता हूँ मैं? जाता हूँ के पास मैं जाता हूँ स्वाति के। इंजरी मैंने दी तो ठीक भी मैं ही करूंगी। काले नाग तू ही बोल ले, नहीं तू ही बोल ले, मेरा ब्लॉग चैनल का नाम बदल के तेरा नाम रख दूं? नहीं यार आई एम नॉट रेसिस्ट, वो तो मैं आपस में इसलिए बोल लेते हैं, हमें पता है हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसे थर्ड पर्सन को नहीं बोल सकता भाई, पीठ पीछे तो बुराई कर ही सकता हूँ किसी की भी। अब पीठ पीछे ही तो बुराई नहीं करनी होती भाई, तो उसको क्या बोलूं फिर? रशियन बोलूं? सही बात है भाई, जो है वही तो बोलूंगा। नेपाली को नेपाली तो बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे राजस्थान से आया है भाई। ठीक है भाई नेपाली को बोले रजवाड़ा। कुछ भी बोल ले भाई तू, यू आर इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, कुछ भी बोल सकता है। और भाई अब फाइनली बताने दे भाई मेरे को, थेरेपी कराने में जाता हूँ स्वाति के हॉस्पिटल में, जहाँ से स्वाति ने अपनी पढ़ाई पास आउट करी थी, तो वहीं पे मेरे शोल्डर की थेरेपी चल रही है। डेली जाता हूँ भाई, डेली थेरेपी लेनी पड़ती है और डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है शोल्डर की। और इसको नहीं करा तो फिर धीरे धीरे ये इंजरी और बढ़ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तू डेली जाता है? डेली जाता हूँ। गुड़गांव से दिल्ली? गुड़गांव से दिल्ली। आई कांट बिलीव यार कि तू डेली जाता है भाई, पूछ ले उससे बल्लू से।
जाता हूँ ना डेली, सही बात है वहाँ कुछ तो सिस्टम है भाई। ऐसा तो टाइम पे फीमेल है, मेल है भाई, फिजियो में सब फीमेल ही होती है मोस्टली। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अबे यार भाई कैसे लोग हैं, मैं जानता नहीं हूँ तेरे को, तू डेली उठ के भी ना जाए, वो भी दिल्ली, वो तो मुझे पता है टाइम पास हो रहा है तेरा, आज ले जा रहा है तू अकेला जाता है? नहीं स्वाति जाती है डेली मेरे साथ। स्वाति तो वहां से चली जाती होगी, भेज देता होगा तू जा मैं आ जाऊंगा। अबे यार कैसे इंसान हो तुम भाई, वो जाती है वही मेरी थेरेपी देखती है पूरी। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर हम दोनों निकल जाते हैं, वो घर निकल जाती है, मैं गुड़गांव आ जाता हूँ, समझा? तेरे जैसा लीचड़ खच्चर आदमी नहीं हूँ मैं, समझा? तो भाई आज बहुत सारी चीजें होने वाली है, और आज हो सकता है मैं आपको BMW भी दिखा दूँ, जो हमारी रैपिंग पता नहीं क्या मॉडिफिकेशन का हमारा काम था, क्यों रिवील हो रहा है मेरे से धीरे धीरे करके सब कुछ, तो वो वाला काम भी मैं शायद आपको दिखा दूं। आज हम जाएंगे BMW जहाँ पे हमने दे रखी है रोलिंग व्हील्स पे। पर तू तो बोल रहा था मैंने 6 महीने के लिए लिया बेच दी, तो उनमें नहीं है क्या? 6 महीने वालों में नहीं आता क्या भाई? मैंने अच्छा 6 महीने में लेके बेची होती तो मैंने सितंबर में ली थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 8 हो गए, अप्रैल के बाद भाई फिर तेरा भाई तो उनमें तो नहीं आता ना, ये पूछ रहा हूँ भाई, गाड़ी को लिए 9 महीने हो चुके हैं, अगर तेरी वो है ना लाइफ टाइम वाली, मैंने भाई प्योर प्रॉपर खरीदी है समझा। कुछ लोग ऐसे हैं 6 महीने के लिए लेके बेच देते हैं, नहीं भाई उनके चक्कर में हम बदनाम है। नहीं नहीं हमने वो वाला सिस्टम नहीं कर रखा भाई, हमने वो पूरी खरीद रखी है भाई, ऐसे 6 महीने पे वो किराया वाला काम नहीं है अपना, समझा? तो भाई जहाँ पे BMW दे रखी है वहाँ भी जाएंगे शाम को, तो आपको BMW के भी दर्शन हो सकते हैं, आज क्या मॉडिफिकेशन उसमें हो रखी है, और मैंने अभी तक सच में मैंने खुद नहीं देखी है। हाँ मेरे पास फोटो वीडियो जरूर आई थी कि भाई ऐसी ऐसी हो गई है, वीडियो भी नहीं आई, वीडियो कॉल पे दिखाई थी बस कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी आपकी हो गई है, तो आज फर्स्ट टाइम जाके देखूंगा लाइव कि गाड़ी में काम क्या हुआ एक्चुअली। बस बने रवाज के व्लॉग में, देखते भाई फुल मस्ती मजाक चलता रहेगा और जिंदगी कटती रहेगी। बाकी गाइस ये जो रोड इतना मस्त बना दिया, तो काम कर तू सारी मूवी यही बना ले साले, आगे कुछ नहीं बनाना तेरे को व्लॉग। भाई मैं बना लूंगा, तेरे को क्या जलन हो रही है मेरे से? मैं कितना भी व्लॉग बनाऊं तेरे को क्या दिक्कत, बकवास करता रहेगा। मैं कह रहा था गाइस ये रोड एक नंबर बन चुका है, 25 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग तो डालनी मस्ट है, तो 25 तारीख को आपको यहाँ पे शाही लगी हुई दिखेगी, ठीक है? वोट डाल के आऊंगा और आप लोग भी गाइस वोट डालना सारे के सारे, ये रोड एक नंबर बन गया तो भाई अपना वोट तो जाएगा डेवलपमेंट को। और तेरा वोट किसको जाएगा भाई, किसको वोट डालेगा तू? खच्चर पार्टी है तुम्हारे उधर कोई खच्चर पार्टी, ऐसे खच्चर लिबरल पार्टी या फिर ऐसे खच्चर नेशनल पार्टी? नहीं नहीं ऐसे कुछ, मेरा भाई वो है देसी पार्टी, देसी पार्टी, देसी को डाल दूंगा, देसी को। और तू किसको? अरे यार तेरा तो वोटर आईडी ही नहीं बना होगा। वोटर आईडी बना हुआ है मेरा, डालता है वोट भी बनाया है वोटर आईडी। अच्छा तू 18 का हुआ ना अभी, राशन कार्ड भी होगा तुम्हारा, चावल आते तुम्हारे यहाँ बनवा दो यार। अबे नहीं इनके पे चावल नहीं, इनके पे मिट्टी का तेल है। शिवम बता रहा था भाई, भाई राशन कार्ड शिवम तो कह रहा था भाई चीनी भी नहीं आती, गेहूं आता है, गेहूं पिसवा के आटा, कह रहा भाई हमारा तो मस्त धंधा है, हम क्या करते हैं गेहूं लेते हैं। अच्छा राशन कार्ड पे? हाँ सरकार से फ्री में, फिर हम बेच देते हैं। अरे वाह कह रहा, इसलिए हम एंटरप्रेन्योर है। तो भाई मैं स्वाति के हॉस्पिटल है कॉलेज है दोनों है, यहीं से इसने पढ़ाई करी तो यहीं पे थेरेपी हुई है मेरी, अभी अभी हो गई मेरी शोल्डर की थेरेपी और अभी मैं निकल रहा हूँ, तो आएगी थोड़ी देर में। हाँ मतलब मैं बस निकल रहा हूँ, एक वो चार्जर दे के आना है किसी को। चलो भाई मेरा तो हो गया शोल्डर का, आज की थेरेपी का ट्रीटमेंट, कितने दिन चलना है? मैंने भैया तेरे लिए मंगाया था पर मेरे को कहीं जाना है, लेट हो गए, कोई नहीं फिर कभी। तो ये है स्वाति के कॉलेज का भाई नज़ारा कुछ, और मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है इधर से राइट जाके। लो भाई देखते हैं क्या कर रहे हैं इतनी देर से। हाँ भाई हो गया काम? हम तो वहाँ गए फिर आगे कचौड़ी गए, हम तो घूम रहे हैं। खा लिया ना तुमने बस दबा के? मैं खाऊंगा लाऊं ये भाई देख मेरा, मैं भी खाऊंगा भूख लगी है मेरे को, जल्दी पहले मेरे को अंदर बैठने थे भाई, धूप देख रहा है कितनी हो रही है भाई, गाइस जल गए भाई, फूक गए यार दिल्ली की गर्मी में। अबे आना यार, यहाँ उस साइड था, तू चला लियो गाड़ी, चल ठीक है कोई ना, तू गाड़ी चला लियो। राम राम भाई सारे भाइयों को, ठीक है? क्या खा रहा है तू ये तो बता। कचौड़ी है मस्त, गर्मी में मजा आ जाएगा। अबे नहीं यार गर्मी में गर्म नहीं खाना मेरे को, सबसे पहले तो मेरे को क्रेविंग हो रही है। गाइस मेरा फोन गिर गया था। हाँ मैं कह रहा हूँ गर्मी में मेरे को क्रेविंग हो रही है नींबू पानी पीने की यार, नींबू पानी पिला दे भाई कहीं से। चल चलते भाई हाँ। कहीं तो मिलेगा। तो भाई थेरेपी करवा के आ गया हूँ मैं, और अभी बल्लू को भाई वहाँ पे भेजा कुछ खाने का लेके आने के लिए, भाई सुबह से कुछ खाया नहीं है ऐसे निकल गए थे बस, मगा देख लेंगे कुछ खा लेंगे बाद में, बट अभी भूख लगी तो कुछ खाना पड़ेगा। बाकी बता दे भाई कहाँ जा रहे अभी हम? अभी बताना है जा पहुंच के सिस्टम हैंग। गाइस बस पहुंच जाएंगे फिर आप खुद देख लेना भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं सब पता लग जाएगा। और उसके बाद
पहले अभी वाणी अभी कभी सोचो बीएमडब्ल्यू के उससे जा रहे नहीं, उससे पहले कुछ और चीज है गाइस, वो चीज देखना, फिर उसके बाद बीएमडब्ल्यू के पास चलेंगे अपना शाम को। अभी तो भाई कितना टाइम हो रहा है, 3:46 होगी, लेकिन गर्मी ने भाई इतना कहर बरसा रखा है क्या बताऊं। 10 सुनने में तो ये भी आया कि भाई वो 10 साल में एक बार हीट वेव आती है, तो इंडिया के अंदर इस बार हीट वेव है और टेम्परेचर 50 डिग्री के पार जाएगा। तो भाई अपने घरों में मस्त रहो, अंदर रहो, अपना बच के रहो भाई। फिर भी देख लो लोग इतने बाहर घूम रहे हैं, हम भी बाहर घूम रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है भाई। लेकिन अपने आसपास पक्षियों को और पशुओं को पानी जरूर डालना भाई, हम भी डालते हैं, आप भी डालो। तो भाई रोलिंग व्हील पे आ गए हैं। विनय कैसी लग रही है गाड़ी? मस्त भाई, गाड़ी यहाँ खड़ी है जस्टिस के ऐसे पीछे, दिखाएंगे नहीं अभी, तो पता चल जाएगा, अभी दिखाएंगे नहीं। और भाई भाई ने कर दी है बढ़िया, गाड़ी मस्त लग रही है भाई, गाड़ी तो क्रेजी लग। बस एक दो दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपके पास आऊंगा और गाड़ी लेके जाऊंगा, फिर ऑडियंस को भी प्रॉपर दिखाएंगे। भाई जितना सोचा था ना कि हमारी गाड़ी कैसी लगेगी, उससे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। और बस थोड़ा सा वेट और कर लो आप लोग, आपको भी दिखाएंगे और आपको देख के और मज़ा आएगा। बस कुछ हल्का फुल्का एक चीज़ बची है, वो कंप्लीट कर देंगे भाई 2-3 दिन में। अभी आके मैंने इनको नई चीज़ें बताई और क्या करनी है ना, एक दो चीज़ों में जो है वो हाँ, तो फिर वो कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे और रिवील करेंगे गाड़ी को फिर जल्दी। तो गाइस गाड़ी वाड़ी देख के भाई मैं आ गया हूँ घर पे वापस, और गर्मी इतनी गंदी हो रही है ना। चलो सबसे पहले हम जानते हैं भारत में चल रही गर्मी का हाल हमारी संवाददाता सिब्बू गिरी के साथ। और संवाददाता सिब्बू गिरी काफी दिनों के बाद मेरे ब्लॉग में दिख रही है, नहीं लास्ट मैसूर की पूरी सीरीज में यही दिखी थी भाई, इतने कमेंट करे थे आपने इसके लिए। तो सिब्बू पहले तो बता गर्मी का क्या हाल चल रहा है भाई, गर्मी को एक्सप्लेन कर। 47 डिग्री टेम्परेचर है गुड़गांव दिल्ली में, हाँ। नैनीताल में है अभी इस वक्त है 24, और मुंबई में भी है 40। इतनी जियोपॉलिटिक्स कब से पढ़ने लग गई वो मेरे फोन में लोकेशन है ना, तो दिखता रहता है। अच्छा तो ये है, मेरे को लगा भाई आजकल तो सिब्बू किताबें पढ़ रही है, पर मैं गलत था। वैसे गर्मी के बारे में क्या बोलना चाहेगी, मजा आ रहा है गर्मी में? यार गर्मी पता है क्या, एसी हमारे फेल हो चुके हैं, हॉल वाला भी और हमारा वो कंप्यूटर रूम वाला भी। मेरे रूम का इतना चल रहा है कि मैं सांस ले पा रही हूँ, बाकी सफोकेशन हो रही है हमारे हॉल में। भाई 24 घंटे एसी चलता है और दिन में सिर्फ 2-3 घंटे फील होता है कि ठंडक है, वो भी रात को नहीं, जब ना सुबह नहीं होती, सुबह होने वाली होती 3 बजे 3:30 बजे तब भी गर्मी होती है, जैसे 4-5 बजे से सुबह होती है तो ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है क्योंकि छत पे धूप तो होती नहीं है। तब मैं ना सिर्फ 5 मिनट के लिए एसी बंद करती हूँ ताकि थोड़ा, भाई एसी है मशीन है उसको भी रिलैक्स चाहिए होता है, तो 5 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ, तुझे पता भी नहीं चलता। अब जब देखती हूँ कि 5-6 मिनट हो गए हैं फिर ऑन करती हूँ। ठीक है, वो हाल है रूम के एसी का, और हॉल का जो एसी है वो तो 24 घंटे चलता है फिर भी गर्मी रहती है हॉल में। और भाई तप रहे हैं यार, एक रूम में एसी लगवाना है रचित, वो भी लगवाना है। चल वो लगवा लेंगे। मैं कह रहा था मैं बीएमडब्ल्यू देख के आया था मॉडिफिकेशन पे जो मैंने दे रखी थी, तो भाई गाड़ी रेडी हो गई और गाड़ी एक नंबर लग रही है। तू एक्साइटेड है? हाँ हाँ, ले आओ ना उसको, बस लेके आऊंगा। अभी कल इलेक्शन है, वोटिंग है, वोटिंग वगैरह करके गाइस अच्छी डिलीवरी लोगे क्या? हाँ देखते हैं अच्छे तरीके से लेंगे ना गाइस, कल वोटिंग है तो आप लोग भी वोटिंग जरूर करना भाई, ठीक है? हो सकता है मैं ब्लॉग डालूँ तब तक तो वोटिंग वगैरह हो जाए, बट अगर उसके बाद भी अगर किसी के स्टेट में या किसी के एरिया में वोटिंग पेंडिंग हो तो भाई सब जाके वोट जरूर करके आना, मैं भी वोट जरूर करके आऊंगा। तो सिब्बू भी एक्साइटेड है बाकी गाड़ी के लिए। हाँ, कौन से कलर की है वो सब पता लगेगा जब मैं, सरप्राइज है जब मैं गाड़ी को लेके आऊंगा। मेरे को तो बता दो, तेरे को बता दूंगा लेकिन ब्लॉग कट करने के बाद, तेरे कान में बता दूंगा ठीक है? तो ब्लॉग कट करने की, कट करने के बाद मेरे कान में क्यों बताओगे? मैंने इसको बता दिया चल गया भाई, बता नहीं तू पागल है यार, बता तू क्यों बताया? नहीं तुम्हें एक रील शेयर करी थी ना कि लड़कियों के पेट में बात नहीं पचती, नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं, कौन सी थी? दो सेकंड दे बस, मैं देख के बताया मैंने बस। यार अब रील वील मत दिखा, अरे नहीं नहीं बस तुम मेरे को दिखा लियो, कोई नहीं गाइस कुल मिला के बात इतनी है। हाँ क्या है दिखा? पीपल यू ट्रस्ट द मोस्ट। अच्छा एक बार देख ले मेरे पे ऐसे ट्रस्ट दिखा, अरे दोबारा देख, ये देखो भाई पीपल यू ट्रस्ट द मोस्ट, इसमें ये सांप को पानी पिलाने वाली बात है। अबे पूरा तो दिखा, पूरा तो दिखा। हाँ पूरा ही है, सेकंड पूरा दिखा, पूरा है, पूरा अभी नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा, अभी देख पूरा दिखा। अच्छा डंक भी मारती है बाद में।
तो गाइज चलो भाई हंसी मजाक तो चलता रहता हमारा, तो वोट जरूर करके आना और भाई गाड़ी आ जाएगी एक दो दिन के अंदर और उसका व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे। तब तक आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि गाड़ी में क्या चेंजेस हुए होंगे, कलर या फिर और भी कोई मॉडिफिकेशन, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब टू सीटर तो टू सीटर ही रहेगी ना, मॉडिफाई करवाई है तो उसको थ्री बनवा देते हैं, एटलीस्ट इंस्टा बैठ जाता मैं तुम इंस्टा भाई क्या चलो भाई बाय, सेवन सीटर करवा लो उस टू सीटर को, बाय गाइस बाय, पापा जी नु साथ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, मैं चलता हूँ थोड़ा इसमें दिमाग लगवाऊंगा, कहीं अगर मिलता होगा तो कहीं नाइन हुई की दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए भाई प्यार बनाए रखो और सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम, बाय 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 बाय।